वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटर। स्टूडेंट्स जितने भी अभी काउंसलिंग्स कर रहे हैं आपकी स्टेट्स की, जो फर्स्ट राउंड ओवर हो गए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स। आप जितने भी स्टूडेंट्स हमारे मेंटर में जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब हैं एंड आपको कॉलेजेस अलॉट हो गए हैं, तो बहुत खुशी की बात है। मिठाई विठाई बांट लो थोड़ा यार, थोड़ा अपने घरों में। और बाकी अब जितने भी स्टूडेंट्स एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो एडवांस का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो प्लीज़ पैनिक मत करें। बहुत सारे बच्चे आप पैनिक कर रहे हैं, रिजल्ट आ जाएगा, आपको रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेजेस मिलेंगे, आपके टाइम के अकॉर्डिंग मिलेंगे। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे शेड्यूल्स मैं बताती जा रही हूँ द मिंटा में, वैसे ही शेड्यूल को आप फॉलो करते जाओ। तो आज हम पहले तो बात करेंगे 2 लाख से रैंक अबव जिनकी भी है, 2 लाख अबव रैंक स्टूडेंट्स, ठीक है। 2 लाख अबव CRL की बात हो रही है सबसे पहली बात को। तो मैं जल्दी से जल्दी बता देती हूँ करना क्या है इन बच्चों को और कितना और वेट करना पड़ेगा बच्चों। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी बच्चे उत्तराखंड की काउंसलिंग से अटेंड कर रहे हैं, तो उनको अभी इस जितने भी रैंक है 2 लाख से अबव वाले बच्चे जितने भी हैं, 3 लाख तक ऑलमोस्ट अभी फर्स्ट राउंड में ही अलॉटमेंट हो गई है आपको। एंड फर्स्ट राउंड में जितनों भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उन सभी को अलॉटमेंट हुई है। फर्स्ट नंबर में आपने जो कॉलेज फिलअप किया था, हम ही ने आपको चॉइस फिलिंग्स में गाइड किया हुआ है ज़्यादातर बच्चों को। तो जो स्टूडेंट्स हमसे काउंसलिंग्स करवा रहे हैं या फिर जो हमसे जुड़े हुए थे मेंटर में व्हाट्सएप पे, सारे मेंटर्स के साथ बात कर रहे हैं, तो उनको कॉलेजेस अलॉट जो हो गए। फर्स्ट नंबर पे जीवीपल, देन सेकंड में आपको अलॉट हुआ है कॉलेज ऑफ टेक पंतनगर, कॉलेज ऑफ टेक पंतनगर। एंड थर्ड नंबर में जो स्टूडेंट्स आपको अलॉटमेंट हुई है वो KEC द्वारहाट, ठीक है। तो ये सारे जो बच्चे अभी यहाँ पे जो फीस जमा कर चुके हैं, तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपके पास CSEB के भी ऑप्शंस हैं। तो अगर इस रैंक तक में अगर आपको ये कॉलेजेस अलॉट हो गए हैं, तो आप इनको भी ऑप्ट कर सकते हैं एंड आगे की भी काउंसलिंग्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। कौन सी काउंसलिंग्स आप और अटेम्प्ट कर सकते हो ये मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा। 2 लाख अबव नेक्स्ट जो आप काउंसलिंग और अटेम्प्ट कर सकते हैं वो आपकी है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा भी फर्स्ट राउंड में बच्चों आपको अलॉटमेंट हो गई है, आपको जो कॉलेज अलॉट हुए हैं अभी फिलहाल। YMCA नहीं अलॉट हुआ है ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को। अगर आप अदर स्टेट्स में हैं, डीक्रस अलॉट हुआ है, डीक्रस मतलब दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी। एंड आपका सेकेंड नंबर पे GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी अलॉटमेंट हो गए। तो ये मेन इंपॉर्टेंट अलॉटमेंट्स हैं स्टूडेंट्स आपके, जो आपको अलॉट हो गए अभी फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड का प्लीज़ वेट करना है, अपग्रेड करना है। अगर आपको मन की ब्रांच नहीं अलॉट हुई है तो आपको मिल जाएंगी ज़रूर। अगर आप ज़्यादा रैंक पे लाइक कर रहे हैं, 6 लाख 7 लाख रैंक तक के बच्चे हरियाणा में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। एक कॉलेज है आपका यहाँ पे चौधरी देवीलाल इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसके लिए भी थोड़ा सा वेट कर लो, मिल जाएगा आराम से ज़्यादा रैंक पे। अब आपके पास ऑप्शन है MP काउंसलिंग्स। MP के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको जो कॉलेजेस अलॉट हो गए हैं आपका, फर्स्ट नंबर में JEC जबलपुर, ठीक है, JEC जबलपुर अलॉट हो गया है आपको। सेकेंड नंबर में आपको SGSIT इंदौर एंड थर्ड नंबर पे इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर, जो सागर में बना हुआ है ना, वो स्टूडेंट्स आपको अलॉट हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे बच्चे जो अलॉटमेंट ले गए हैं वहाँ पे रिपोर्ट भी कर चुके हैं। अभी आपके पास CLC राउंड बाकी है, कॉलेज लेवल राउंड होता है ये, जो आप अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, ठीक है, अब करना ये है कि आपके जो स्पॉट काउंसलिंग है UP SET स्पॉट, ठीक है, वेट फॉर इट। नेक्स्ट यू हैव टू वेट फॉर MP CLC राउंड, यू हैव टू वेट फॉर इट। थर्ड यू हैव टू वेट फॉर हरियाणा स्पॉट्स, ठीक है। तो जितने भी 6 लाख 7 लाख 8 लाख रैंक तक के बच्चे हैं सबको कॉलेज मिलेगा भाई, सबको कॉलेज मिलेगा, सरकारी कॉलेज मिलेगा, बस आपको वेट करना है एंड तक, ठीक। फोर्थ आपको जो वेट करना है वो रीप राजस्थान की आपकी स्पॉट काउंसलिंग जो होंगी नवंबर के फर्स्ट वीक में, वहां तक आपको वेट करना पड़ेगा। देन आपकी जैक दिल्ली की काउंसलिंग भी आपको एंड तक वेट करना पड़ेगा बच्चों। तो बस पेशेंट रहो, थोड़ा वेट करो, पैनिक मत करिए। आप सभी पैनिक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपके मैसेजेस से लग रहा है कि आप परेशान हो रहे हैं। अलॉटमेंट जिनको हो रही वो भी परेशान है, जिनको नहीं हो रही वो भी परेशान है। तो बेटा परेशानी सबको हो रही है, समझ में आता है। यूपी सेट में बहुत बच्चों को दिक्कत हुई, कॉलेज गए रिपोर्ट करने, बट वहाँ पे शेड्यूल अचानक से पता चला कि बदल गया है, तो फीस आपकी थोड़ी ये सब चीज़ें डिस्टर्ब होगी। तो प्लीज़ पैनिक मत करो, वेट करो एंड हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फॉरवर्ड करने की कोशिश करिए बच्चों। एंड समाधान ईबुक को डाउनलोड कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। बाकी अभी आवर टीम आर हेल्पिंग यू थ्रू व्हाट्सएप। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लाइकिंग अस, थैंक यू वेरी मच।